नाउ क्वेश्चन नंबर 124 इन गेस द आउटपुट जावा कोड हमें दिया गया है हमें आउटपुट गेस करना है यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें एक इंटरफेस दिया गया है इस इंटरफेस का नाम है दादा और हमको एक क्लास दी गई है पापा के नाम की लेकिन पापा नाम की क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है दादा नाम की इंटरफेस को देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट की यूज़ किया गया है डेट मीन्स दादा यहाँ पर क्या है इंटरफेस और दादा नाम का इंटरफेस हमने यहाँ पर बनाया है अब यदि हम नेक्स्ट देखें तो पोता नाम की क्लास एक्सटेंड कर रही है पापा नाम की क्लास को एक्सटेंड की वर्ड यूज़ किया गया है डेट मीन्स पापा यहाँ पर क्या है क्लास है ओके एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है साथ ही यह हमको यहाँ पर एक चाइल्ड नाम की क्लास दी गई है और चाइल्ड नाम की क्लास ने इनहेरिट किया है पोता नाम की क्लास को सो so, इस कोड के अंदर हम देखें तो हमको मेन फंक्शन दिखाई दे रहा है चाइल्ड नाम की क्लास के अंदर अब इस मेन फंक्शन के अंदर सो मेन मेथड के अंदर फर्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है ये वाली और इसमें बताया गया है दादा नाम के इंटरफेस के लिए डी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया है लेकिन जिस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल किया गया है वो कंस्ट्रक्टर है पोता नाम की क्लास का डेट मीन्स ऑब्जेक्ट भले ही डी का है पर कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ है पोता नाम की क्लास का कंस्ट्रक्टर ओके okay, अब इस डी ऑब्जेक्ट की मदद से इजी एग्जाम नोट्स डॉट कॉम सॉरी ईजी एग्जाम नोट्स नाम की मेथड को कॉल किया गया है यदि हम लोग यहाँ पर देखें ईजी एग्जाम नोट्स नाम की मेथड दादा नाम के इंटरफेस में है देन पापा नाम की क्लास में इजी एग्जाम नोट्स है देन पोता नाम की क्लास में इजी एग्जाम नोट्स है अब इन थ्री में से कौन सी मेथड को कॉल किया गया है सिंपल सा है अगर हम लोग देखें जब डी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया दादा नाम के इंटरफेस के लिए लेकिन कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ है पोता नाम का डैट मीन्स जो डी नाम का ऑब्जेक्ट है जिस इजी एग्जाम नोट्स नाम के मेथड को कॉल कर रहा है उस मेथड को पोता नाम की क्लास के अंदर होना चाहिए तो पोता नाम की क्लास के अंदर है इजी एग्जाम नोट्स डैट मीन्स ये वाली मेथड कॉल होगी और यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है पोता आउटपुट तो में हमें क्या दिखाई देगा यहां पर पोता सो ये था आउटपुट